अगली खबर की ओर। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू तख्त प्रमुख वीरेश सांडिल्या को पाकिस्तानी हथियारों के तस्कर ने जान से मारने की धमकी दी व 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी, जिस पर अंबाला में पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी के साथ पंजाब पुलिस ने अंबाला पुलिस को पत्र भेजा, तो वहीं सांडिल्या को धमकी देने वाला पाकिस्तान से संबंधित एवं हथियारों का तस्कर 13 अप्रैल को रोपड़ में भी हिंदू नेता की हत्या कर चुका है। सांडिल्या बोले कि केंद्र व राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार सिद्धू मूसेवाला व नफे सिंह राठी हत्याकांड दोहराना चाहती है। वहीं पंजाब पुलिस के पत्र के बाद अंबाला पुलिस हरकत में आई है और अगले 7 दिन सांडिल्या की सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास इनपुट दी गई। वहीं सुरक्षा की कड़ी हिदायत भी दी गई है। रोपड़ से पीयूष तनेजा की रिपोर्ट। सिक्योरिटी मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन बात में मैंने विषय ये है कि जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी वो व्यक्ति पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है, वो व्यक्ति हथियारों का स्मगलर है, पाकिस्तान का रहने वाला है। ये जांच अंबाला पुलिस नहीं कर पाई, इस तह तक अंबाला पुलिस नहीं पहुंच पाई, इस तह तक पंजाब पुलिस पहुंच गई। पंजाब पुलिस ने अंबाला पुलिस को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी मेरे पास भी है। वो चिट्ठी मुझे पुलिस ने प्रोवाइड करवाई कि चिट्ठी तो जब मैंने पुलिस को अगर गलती से उस थ्रेट की इंफॉर्मेशन मैं 30 जनवरी को पुलिस को ना देता तो पुलिस मेरे खिलाफ भी FIR दर्ज कर लेती तुरंत।